और उसका प्रॉब्लम है पावर सप्लाई नहीं बन रहा है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है। ये 32 इंच में ज़्यादा लगता है ये जो बोर्ड है, तो ये अभी डेड कंडीशन में आया है। तो आज मैं ये कॉम्बो बोर्ड को रिपेयर करूँगा और आप लोग को मैं बताऊँगा ये कॉम्बो बोर्ड में कहाँ पर फॉल्ट है और कैसे उसको चेक करना है। तो मैंने भी ये बोर्ड को चेक नहीं किया अभी तक, ये पावर आ रहा है कि नहीं, लेकिन जो लेके आया वो बोला है ये कॉम्बो बोर्ड में पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं उसको क्या प्रॉब्लम है पहले, उसका बाद रिपेयर शुरू करेंगे। ये पावर सप्लाई का जो आयर सेंसर होता है उसका कनेक्ट कर देते हैं। ये नहीं लगाने से हम लोग को लाइट वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो ये मैंने ये जगह पर लगा दिया। और एक वायर लगाना है अभी, जो एसी सप्लाई होता है उसको भी लगाना है, ये मैंने लगा दिया। ये दोस्तों लग गया, पूरे अच्छा से लग गया। और ये आयर सेंसर इंडिकेटर सब एक ही साथ में है, देखिए। मैंने पहले तो उसको चेक करना चाहिए ये इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं, इसको देखना है अच्छा से। तो मैंने प्लग को लगा रहा हूँ, ये मैंने प्लग को लगाया और ये देखिए ये सेंसर, ये जो एलईडी लाइट है ये नहीं जल रहा है। तो देखिए ये नहीं जल रहा है, अभी इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है देखते हैं। दोस्तों मीटर से एक बार देख लेते हैं कहाँ क्या वोल्टेज आ रहा है, वहीं पर मीटर को सेट कर देता हूँ तो आसानी से हम लोग को देखने मिलेगा और चेक भी अच्छा से कर पाएंगे। ये जगह पर रख देते हैं। तो मैं मीटर को 200 टर्न्स में सेट किया और ये ग्राउंड का साथ कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले तो दोस्तों ये जगह पर 12 वोल्ट को देखना है, 12 वोल्ट को देखना है ये 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो ये जगह पर देखते हैं लगाकर, ये देखिए ये 12 वोल्ट प्रेजेंट है। ये जो डीसी सप्लाई है 12 वोल्ट, ये प्रेजेंट है, 12 वोल्ट आ रहा है। अभी क्या देखना है, अभी 5 वोल्ट देखना है। तो 5 वोल्ट ये जो एक कॉइल लगा हुआ है, देखिए ये जगह पर एक कॉइल लगा हुआ है, मैं थोड़ा जम करके आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए ये जगह पर कॉइल है, एक कॉइल है लगा हुआ है ये जगह पर, ये जगह पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ये 5 वोल्ट का कॉइल लगा हुआ है। तो देखिए मीटर में 5.3 वोल्ट है। अभी देखिए ये सप्लाई ये जगह पर 5.5 वोल्ट मिल रहा है, 5.3 वोल्ट ये जगह पर मिल रहा है, ये लगाया तो मीटर में देखिए ये मिल रहा है वोल्टेज। और ये देखिए ये जगह पर एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, उसमें 5 वोल्ट आना चाहिए, इनपुट 5 वोल्ट, ये देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। लेकिन अभी ये देखिए इसका जगह पर ये साइड में देखिए ये 3.3 वोल्ट का लाइन लगा हुआ है, देखिए ये जगह पर कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। ये देखिए मैं अच्छा से लगा रहा हूँ लेकिन कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। ये एलईडी जो लाइट है ये भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, नहीं जल रहा है। अब उसका बाद देखिए वोल्टेज ओके बता रहा है, 12 वोल्ट ओके है, 5 वोल्ट ओके है, ये 5 वोल्ट लगाया मैंने, ये 5 वोल्ट ओके है देखिए। उसका बाद ये रेगुलेटर आईसी में 5 वोल्ट इन हो रहा है, ये 5 वोल्ट इन हो रहा है रेगुलेटर में, ये देखिए 5 वोल्ट इन हो रहा है लेकिन ये आउट नहीं हो रहा है। उसका मतलब है ये रेगुलेटर आईसी ख़राब है, ये जो रेगुलेटर आईसी है ये आईसी ख़राब है दोस्तों।
3.3 वोल्ट जब तक आउट नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर में इन नहीं होगा, तब तक ये एलईडी बल्ब ग्लो नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आईसी को पहले खुलेंगे, उसके बाद लगा कर देखते हैं। ये प्लग को भी खोल के रख देता हूँ क्योंकि आईसी लगाने का टाइम है इसको। ये देखिए मैं निकाल चुका हूँ ये जगह से।